नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। गाइस, एनसीसी लिमिटेड के क्वार्टर वन के नंबर्स आ चुके हैं। कैसे रहे नंबर, सीधा लेके चलता हूँ रिजल्ट की तरफ। देखिए, नंबर्स करोड़ में है तो ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 3838 करोड़ है। एक साल पहले ये मात्र 2958 करोड़ थी। एक क्वार्टर पहले ये 4016 करोड़ थी। ईयर ऑन ईयर आप देखेंगे काफ़ी अच्छा जंप है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी सी आपको यहाँ गिरावट देखने को मिल रही है। बात करें अदर इनकम की तो इस बार 27 करोड़ है। पिछले क्वार्टर में ये 30 करोड़ था और एक साल पहले दोस्तों 31 करोड़ थे। आप इन सबको जोड़ लेंगे, टोटल इनकम जो निकल के आएगी वो 3865 करोड़, जो पिछले क्वार्टर में 4047 करोड़ थे और एक साल पहले दोस्तों मात्र 2989 करोड़। यानी आप अगर ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली 20% से भी ज़्यादा का जंप आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखेंगे तो आपको यहाँ थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं खर्चों की। खर्चों ने स्थिति को क्या अच्छा किया है या और ख़राब, तो देखिए कॉस्ट ऑफ मटेरियल जो सबसे बड़ा खर्चा होता है उसमें 1583 करोड़ का खर्चा आया है, जो पिछले क्वार्टर में 1185 करोड़ था और एक साल पहले दोस्तों मात्र 1227 करोड़ था। लेकिन याद रखिएगा इस बार आपका धंधा भी बहुत ज़्यादा हुआ है। अब अगला बड़ा खर्चा सब कॉन्ट्रैक्टर वर्क वर्स बिल 1296 करोड़ है। एक क्वार्टर पहले ये 1841 करोड़ था दोस्तों और एक साल पहले ये मात्र 951 करोड़ था। अब बात कर लेते किसकी, अदर एक्सपेंसेस की दोस्तों, तो अदर एक्सपेंसेस 70 करोड़ है। और जब आप एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंस जो इस बार 137 करोड़ है, जो ऑलमोस्ट फ्लैट था पिछले क्वार्टर में और एक साल पहले मात्र 118 था, उसको आप जोड़ लेंगे तो टोटल खर्चा यहाँ पे 3642 करोड़ है। एक क्वार्टर पहले 3786 करोड़ था और एक साल पहले दोस्तों 2833 करोड़ थे। और जैसा कि आप देख रहा होगा साल दर साल के बीच में बिजनेस काफ़ी अच्छा जंप हुआ है। यही कारण है कि प्रॉफिट बिफोर टैक्स इस बार 223 करोड़ आया है, जो एक साल पहले मात्र 156 करोड़ था। ह्यूमंगस जंप है दोस्तों ईयर ऑन ईयर। एक क्वार्टर पहले ये 261 करोड़ था तो वहाँ से थोड़ी गिरावट है। और जब हम इन तमाम चीज़ों को देखते हैं और देखते हैं कि भाई टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड कंपनी क्या आई है, तो आप यहाँ पाएंगे कि टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम फॉर द पीरियड आई है दोस्तों 162 करोड़ 162, जो एक साल पहले मात्र 118 करोड़ थी और एक क्वार्टर पहले 176। और यही कारण है कि 2 रुपये से भी कम की ईपीएस है सब दोस्तों एक साल पहले 1.97, जो बढ़ करके 2.5 रुपये के ऊपर चले गए हैं 2.58। लेकिन हाँ, क्वार्टर से थोड़ा कम है दोस्तों, लेकिन बिजनेस जैसे पता है आपको यहाँ ईयर ऑन ईयर कंपेरिजन होता है। और मुझे ये लगता है ये अच्छा जंप है, लेकिन स्टॉक थोड़ा मुझे चल चुका है तो देखना ही होगा कि जो बाज़ार है किस तरह रिएक्ट करता है। यहाँ तक जुड़े रहे, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पहली बार आए सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।